फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 39 नहीं है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकर नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोन पोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वे हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे क्योंकि वे बहुत भोला था। उनके बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत समझदार थी। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे हैं, देखिए आपको दिख रहे हैं कुछ लाल रंग के लफ्ज़ जिसमें लिखा है आपका चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला, समझदार, वे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो वो किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम अथवा संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तब यहाँ देखिए आपको लिखा है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, यानी जो शब्द विशेषण है उनको ज़रा अंडरलाइन कीजिए। तो लिखा है कुत्ते क्या होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। तोते का रंग तो क्या हो जाएगा, तोता हरे रंग का होता है तो इसमें हरा हो जाएगा। मेरी दादी बूढ़ी है तो इसमें बूढ़ी हो जाएंगी। ये दुल्हन बहुत सुंदर है तो इसमें सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ अगला लिखा है दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब गद्यांश क्या लिखा है पढ़ते हैं। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिल पर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी की राख बच गई। वह उसी सिल को लोन पोगार के पास ले गई। लोन पोगार उसकी समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। वह अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो चुके थे, यानी अब वो फ्री हो गए थे, उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। अब यहाँ लिखा है राख की रस्सी किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी, लड़की ने बनाई थी, है ना। लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी थी, उसकी समझदारी से प्रभावित होकर। इसके बाद लिखा है उस ऊपर दिए गए गद्यांश में किसी एक विशेषता शब्द को ढूंढना है, विशेषण शब्द को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों का आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आप आंसर पहले का लिखेंगे कि राख की रस्सी किसने बनाई थी, लड़की ने बनाई थी। दूसरा क्या लिखेंगे, उसकी समझदारी से प्रभावित होकर। और तीसरा आपका हो जाएगा समझदार या समझदारी। ठीक है, कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी और मीठी होती है। इसी तरह से सेब और बंदर का आपको लिखना है। चलिए दोनों का आंसर देखते हैं। तो सेब का आप लिखेंगे लाल होता है और मीठा होता है, और बंदर का आप लिखेंगे नकलची होता है और शैतान होता है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, तो बच्चों आपको काय पैती का मज़ेदार लगी ना, आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हम लोग ने नया सीखा विशेषण शब्दों के बारे में जाना, है ना। कर लेंगे, चलिए। तो अच्छी वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतने ही। आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।